आप सब कुछ जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे और आपके जीवन में एक और नया दिन दिया, एक और नई सुबह दी। आइए आज की सुबह हम भजन उसके 29वें अध्याय के 11वें पद से पढ़ें और सीखें। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपने लोगों को शांति की आशीष देगा। हम सीखते हैं यहाँ पे यहोवा की प्रजा जो है प्रभु उसको बल देगा। तो ये यहोवा की प्रजा है कौन? यहोवा की प्रजा वो है जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखता है। ये प्रजा वो है जो परमेश्वर के पीछे चलता है। ये प्रजा वो है जो परमेश्वर से प्रेम करता है। कितनी अच्छी बात है कि हम ऐसे अच्छे परमेश्वर से के पीछे चलते हैं, ऐसे भले परमेश्वर के पीछे चलते हैं जो हमें बल देता है, हमें शक्ति देता है, हमें शांति देता है, हमें आशीष देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा थके को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है वो कभी न थकता है न श्रमित होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। परमेश्वर ऐसी शांति देता है जो संसार नहीं देता। हम देखते हैं संसार में चारों तरफ निराशा है, मृत्यु है, दुख है, रोना है, दांत पीसना है, लेकिन परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में आनंद लाता है, शांति लाता है। हो सकता है जो हम देखते हैं हमारा कोई अपना खो गया हो सकता है हमारी नौकरी चली गई हो सकता है हमारे बिजनेस में हमें बहुत नुकसान हो गया, लेकिन आप निराश ना हो, आप डरे नहीं, आप उदास ना हो, आप परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें, आप प्रभु पे भरोसा रखें, उसके पीछे चलें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो आपकी निराशा को आशा में बदल देता है। जब आप अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं तब परमेश्वर आपकी हड्डियों में बल लाता है। इतना भला परमेश्वर हमारा। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है जो बड़े बड़े कार्य करता है। हम और आप ऐसे परमेश्वर यहोवा की उपासना करते हैं जिसने मरे को जिंदा कर दिया है। इसलिए हमें उदास नहीं होना है, हमें आनंदित होना है, क्योंकि वो आपके निराशा को आशा में बदल रहा है। वो आपकी हड्डियों में बल दे रहा है, वो आपको आशीष दे रहा है। आइए हम दुआ प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में एक और दिन दिया। प्रभु जी, आप सच्चे हैं, आप जीवित हैं, आप आदि से हैं, आप अनंत काल तक हैं। प्रभु जी, स्वर्ग में आप विराजमान हैं, ये पृथ्वी आपके चरणों का स्थान है। प्रभु जी, आप हमारे पालनहारा हैं। प्रभु जी, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस समय हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग इस प्रार्थना को साथ में कर रहे हैं, अगर वो निराशा हैं तो प्रभु जी आप उनके जीवन में आनंद लेके आइए। अगर वो कमजोर महसूस कर रहे हैं तो प्रभु जी आप उनको शक्ति दीजिए। प्रभु जी आप अपनी सामर्थ्य दीजिए। पवित्र आत्मा इसी समय प्रभु जी हर एक निराश इंसान को छुइए। प्रभु जी जो साथ में प्रार्थना कर रहे हैं और उनको आशा दीजिए। प्रभु जी हाँ, प्रभु जी हो सकता है निराशा में हमने इस प्रार्थना को, इस वचन को सुनना शुरू करा है, लेकिन जब ये प्रार्थना खत्म हो तो उनके हृदयों में प्रभु जी आनंद हो। अब सहायता करिए, मदद करिए। प्रभु जी जो इस समय बीमार है, कमजोरी में है, प्रभु जी आप उनको ऊर्जा दीजिए। प्रभु जी उनको शक्ति दीजिए। प्रभु जी जिनकी नौकरियां चली गई हैं, प्रभु जी आप उनके लिए नए रास्तों को खोलिए, नई नौकरियों का इंतजाम करिए। प्रभु जी हाँ, प्रभु जी हम आप पे भरोसा रखते हैं, आपसे सब कुछ हो सकता है। ये सारी दुआ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन।